हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का क्या इम्पॉर्टेंस होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन। इट इज़ एन मोड ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान्स इंटू एक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, वो ऑर्गेनिक पर्सन जो प्लान्स होता है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। मीन्स टू से, जो प्लान्स, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो प्लान्स बनाए हैं, उस प्लान को ये ट्रांसलेट करके एक्शन में उसको डिवाइड करता है, और उस एक्शन को वो कई एक्टिविटीज़ के टर्म्स में डिवाइड करता है, और इस एक्टिविटीज़ के इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज़ को जिससे कि वो डिजायर्ड रिजल्ट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नो प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट रिसोर्स, बी इट ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल। यानी कि कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के या फिजिकल रिसोर्सेस या फाइनेंशियल रिसोर्स के उसको कंप्लीट किया जा सकता है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय द एम्पावरिंग ऑफ द वर्क फोर्स टू अकम्पलिश दीज टास्क एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड टू डील विद द प्रॉपरली परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर ए स्मूथ ट्रांसिशन ऑफ द इंटरप्राइजेस इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके जो हमारे वर्कफोर्स होते हैं, वो वर्कफोर्स को क्या करते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे कोई डिजायर रिजल्ट क्या हो जाए, अकम्पलिश हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। इसके लिए क्या कि प्रॉपरली डील करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, और फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अकॉर्डेंस टू द बिजनेस चेंजेज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। और इस तरह से हम उसकी ऑर्गेनाइज करते हैं कि उस चेंजेज बिजनेस इन्वायरमेंट में भी हम उसको, उस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेनली अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हेल्प्स टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी कि जो ये फैक्ट है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, उसी के बेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसर एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अडाप्टेशन टू चेंज, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यानी कि ये आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है। जिसमें स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, जो कि वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जॉब का जो जॉब असाइन किया जाता है, वो उनके स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर ही उनको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है कि अगर मैं टीचिंग, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे टीचिंग का ही जॉब मुझे मेरी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाएगा। मैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, बीएसटी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। अगर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री दिया जाएगा तो मेरा उस पर स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता। तो जिसका जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल्स है, उनको उसी के अकॉर्डिंग जॉब असाइन किया जाता है, जिससे उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे जब उनको उनके स्पेशलाइज जो स्किल्स है, उसी के अकॉर्डिंग उनको जब स्पेशलाइज वर्क दिया जाता है, तो इससे उनका क्या होता है, उनकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब वो इफिशियंटली वर्क करते हैं, जिससे हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि उनको सबका जॉब, पर्टिकुलर जॉब असाइंड है, इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इफेक्टिव होता है। मतलब क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्प्यूट होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। एक्सपेंसर एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, तो जब जहाँ पे स्किलफुल स्पेशलाइज पर्सन रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो खुश होकर एक हैप्पीली इन्वायरमेंट पे जब वर्क करते हैं, तो वो उस एंटरप्राइजेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, चूँकि उनका वर्क क्लियर रहता है, उनको मालूम है कि ये मेरी स्किल्स है, ये मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग ये वर्क है, तो वर्क की क्लैरिटी रहती है कि उनको कितने टाइम में वर्क, कितने समय में वर्क करना है, कितना वर्क करना है,
और कब मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ये क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होती है जिससे कि डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी कम होती है। अडॉप्टेशन टू चेंज, चूँकि सब कुछ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो जिसमें आपका कई कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, तो अगर कुछ ऐसा कोर्स बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को भी उस प्लान के कोर्स ऑफ एक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट टू पर्सनल, चूँकि यहाँ पर पर्सनल से मतलब है इम्प्लाई का जो है इम्प्लाई का, चूँकि उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए उनका क्या होता है और एक्सपीरियंस उनका इंक्रीज होता है, और एक्सपीरियंस इंक्रीज होने से उनकी इफिशियंसी उनकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफर्स बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू एन ऑर्डरली शेयरिंग आउट ऑफ जॉब अमंगस्ट द एम्प्लॉई, दिस इज डन बाय एलोकेटिंग द स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉई बाय परफॉर्मिंग द सेम टास्क रिपीटिटिवली, द एम्प्लॉयज गेन प्रोफिशिएंसी विच फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, हायरार्किकल ऑर्डर मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो टॉप लेवल से मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक एक हायरार्किकल वर्क जो है ऑर्डरली होता है, हायरार्किकल ऑर्डर में वर्क होता है, और उसको क्या करते हैं एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है। तो एज ए रिजल्ट एवरी एम्प्लॉय क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ हिज अथॉरिटी एंड हुम ही सीज आंसरेबल, यानी कि उनको मालूम होता है कि क्लियरली उनको समझ में आ जाता है कि उनकी उनको उनके पास कौन सी अथॉरिटी है, क्या वर्क करने की अथॉरिटी है, और वो किसके लिए आंसरेबल है, किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उनको जवाबदेह है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम रहती है। ये क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप है। द फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटेंड टू ऑफ अथॉरिटी इंश्योर्स सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, थस दिस लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज बी इट ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका इट फैसिलिटेट्स अडॉप्टेशन टू चेंज, एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट, द सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कैरी ट्रांजिशंस स्मूथली इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू क्रिएट ए स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर दैट रिक्वायर्ड चेंज टू नॉट इम्पेक्ट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें मैं डिस्कस आपके लिए करती हूँ। नेक्स्ट है आपका इट लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प टू कर्व कन्फ्यूजन्स इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द इच जॉब बाई प्रोवाइडिंग टू क्लियर कट जॉब स्ट्रक्चर्स। तो इससे क्या होता है, ईजी टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि जितने भी इम्प्लॉयज होते हैं उनको क्लियर कट जॉब स्ट्रक्चर मालूम रहता है कि उनका क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन करने में मैनेजमेंट को क्या होता है, ईजी रहता है और वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व टू डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड इम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस टू देयर रिलेटिव कॉम्पिटेंस विच इनेबल्स टू देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि जब यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है और आंसरेबल होता है वो अपने से सीनियर सुपीरियर के लिए, तो इससे क्या होता है पर्सनल का जो इम्प्लॉयज का होता है उसका क्या होता है डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आप इट लीड्स टू एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑफर्स न्यूमेरस बेनिफिट, मतलब असंख्य लाभ है इसके ऑर्गेनाइजिंग के, एंड बाई प्रमोटिंग द स्मूथ वर्किंग एंड स्टेबिलिटी, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की। दिस प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू मैनेजर्स टू डेविएट फ्रॉम एक्सिस्टिंग नॉर्म्स एंड टू टेक अप द न्यू चैलेंजेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।